हम सब विपक्ष के सारे नेताओं ने मेंबरों ने आपसे दरखास्त किया था कि सदन की अंदर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्याकारी जो है नाथूराम गोडसे की पूजन हो रहे हैं, नाथूराम गोडसे की जब पूजन हो रहे हैं तो सदन की गरिमा को ये हानि पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी देश को अपमान होते हैं। महात्मा गांधी साहब हमारी देश के नहीं बल्कि दुनिया के पिता है सर, सारे दुनिया उनसे प्रेरणा लेते हैं, सारे दुनिया की पीड़ित लोगों की और प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं के हत्याकारी को जब पूजन किया जाते हैं, जब उन्हीं के हत्याकारी को यहाँ सराहना किया जाते हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते। साध्वी प्रज्ञा जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। महोदय 222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेष अधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ सुनिए, परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मुझे माननीय सदस्य माननीय सदस्य मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2019 को की विशेष दारी के मामले संबंधित सूचना प्राथमिक स्तर विचार दिन है। आप सुने, आप हमारी आशा था कि जब सदन की गरिमा की सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कदम। आपके मेंबर बिठाओ, जब बोलोगे ना आपके मेंबर को बिठाओ, आप बिठाओ पहले, आप मेंबर को बिठाओ ना पहले, मेंबर को बिठाओ, उनको सदन को ऑर्डर में आने को फिर बोलो, ऐसे तो नहीं लगता है। आप माने सर प्लीज बैठ जाइए सदन को ऑर्डर में आने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से माफी, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए सर। सर हमें बोलना है, जो मर्जी बोलने को नहीं होगा सर, आप जो मर्जी बोलने का नहीं होगा सर। उन्होंने माफी मांगी है उनका, एक मिनट नो यू हैव टू लिसन टू मी, आप तो सुन लीजिए पहले। माफी मांगना चाहिए सर, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। मांगी है उन
कुछ अधूरी रह गई है उसमें वो माफी वाला विषय है, थोड़ा अलाउ कर दो। पहले होनी चाहिए ना, अब भूलने का शुरू सर। सर फर्स्ट सेंटेंस में ही उन्होंने माफी मांगी है, माफी मांगने के बाद ये व्यवहार ठीक नहीं है और उन्होंने स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कट टर्म से माफी मांगी है और महात्मा गांधी जी के विचार के ऊपर, महात्मा गांधी जी के सेवा के ऊपर उन्होंने श्रद्धा है, ऐसा भी स्टेटमेंट मान्य सदस्य ने दे चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये बहाना नहीं बनना चाहिए, ये इनको नेता जो आज इस सदन के मेंबर है उन्होंने हमारे सदस्य बिना विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी कोर्ट के अदालत के फैसले के बिना इनको आतंकवादी कहा गया है उसके बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी जो हाल ही में मेंबर है साध्वी जी, स्पष्ट रूप से माफी मांगी है, महात्मा गांधी जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा को उन्होंने रिपीट किया है। इसीलिए इसको अननेसेसरली इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मैं आप अजय रंजन जी बोल रहे हैं, अजी आप जाओगे सीट पे जब बोलेंगे ना, आओ मैं उनको बोलने बोला प्लीज नो, ये सदन को आपन रिएक्ट कर सर। अरे मान्य सदस्य प्लीज प्लीज, मान्य सदस्यगण, मान्य सदस्यगण, हम सब यहाँ पर ये देश नहीं, मैं जब बोल रहा हूं चुप रहे थोड़ी देर, ये देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के विचारों, आदर्शों, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनके कारण
भारत में सत्य अहिंसा के आंदोलन के माध्यम से मैं जिस भी देश में जाता हूं महात्मा गांधी जी को बहुत आदर की और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ये देश ही नहीं पूरा विश्व जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के विचारों को आज भी हम सब आत्मसात करते हैं। मेरा इसमें विचार है कि इस विषय पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर अगर हम राजनीति करेंगे तो पूरे विश्व के अंदर एक मिनट मेरी बात सुन ले आप पूरी बात, पूरे विश्व के विषय में जाएंगे। इसीलिए मैंने माननीय सदस्य से आग्रह किया कि अगर संसद में की कार्रवाई में ये कहीं भी हिस्सा नहीं है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। एक 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 मिनट मैं अधीरंजन जी, मैं पूरी बात अधीरंजन जी पूरी बात कर रहा हूं, मैं पूरी बात सुन लो मेरी, पूरी बात सुन ले पहले पूरी, मैं मेरी पूरी बात अधीरंजन जी पूरी बात सुन ले। मैंने पूर्व में कहा था ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि महात्मा गांधी जी के बारे में कोई संसद में किसी तरीके से रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, और मैंने इंश्योर आपको भी किया, व्यक्तिगत रूप से भी कहा, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी के बारे में एक मिनट आप बात सुनो ना, ऐसे मत करिए, तो पूरी बात सुने, आप स्पीकर की बात पूरी सुने, सुरेश जी आप पूरी बात सुने स्पीकर की। महात्मा गांधी जी के हत्या के मामले के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी सदन में या सदन से बाहर कहीं भी महिमा मंडित करने का सदन इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए एक मेरी पूरी बात पूरी इसलिए कल माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी सदन के अंदर सरकार की तरफ से आपका अधिकृत बयान दिया। फिर आपने माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय सदस्य का ये बयान सदन की कार्रवाई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाहर मीडिया में चला गया है, नहीं बाहर मीडिया चला है। इसलिए मैंने माननीय सदस्य से कहा कि वह इसको लेकर अगर कोई टेस्ट, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं मैं, दो मिनट मेरी बात करने के बाद, और इसलिए माननीय सदस्य को मैंने आग्रह किया और माननीय सदस्य ने इस पर माफी मांगी है कि ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। अब आप बोले हैं।